वन इज एस एस ओवरलैपिंग, मतलब एक एटम अपना एस ऑर्बिटल यूज कर रहा है, दूसरा एटम भी क्या यूज कर रहा है, एस ऑर्बिटल यूज कर रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एस एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, तो ये क्या हो गया एक एस, ये क्या है ये दूसरा एस, और ये जब आपस में है ना, ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो इनके बीच में क्या होगा कि ये कुछ कॉमन एरिया आएगा, कुछ समझे बात को। तो ऐसा नहीं है कि सर ये एटम छोटा है तो ये बड़ा हो कैसे हो गया, ये सब बुद्धि नहीं लगा हो गया। देखो एक एटम ये है, इसका एस ऑर्बिटल है, ये एटम है इसका एस ऑर्बिटल है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और इसका इलेक्ट्रॉन क्या है इस डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन का होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ये एक दूसरे से क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे देखो, इसको समझो कि ये क्या हो रहा, ये इसको हम इधर ले करके गए और इनके बीच में क्या होगा, ये शेयरिंग हो गया, कुछ समझ में आ रहा। तो इस तरीके का यहाँ पर क्या बनने वाला, एक बॉन्ड बनने वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इसी को कहते हैं हम लोग एस एस ओवरलैपिंग, समझे। और एस एस ओवरलैपिंग से कभी भी सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा, तो एस एस ओवरलैपिंग से कभी भी क्या बनने वाला, ओनली सिग्मा, कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एस ऑर्बिटल नहीं करता, ये ध्यान रखना। एस ऑर्बिटल कभी भी क्या करेगा, ये ओवरलैप ही करेगा इस तरीके से, समझ में आई चीज है ना। इसको जगह रहता तो हम उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख सकते थे, है ना, उसको लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं। अब ये बताओ कि अगर कोई आइटम है, जितना ओवरलैप करेगा उतना बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, कम ओवरलैपिंग करेगा तो कम बॉन्ड बनाए, इसीलिए कहते हैं कि साइज मैटर करता, अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग थोड़ी ज़्यादा हो पाएगा, साइज कम होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ठीक ठाक होगा, ये उसी चीज़ों को लेकर कह रहे हैं, समझे इस बात को। तो ये ध्यान में रखना, एक वर्ड हम लिखवाने वाले हैं, बॉन्ड्स हैविंग मोर ओवरलैपिंग विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन कितना होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, बॉन्ड, बट मोर देन 50% ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। देखो क्या कह रहे हैं कि जितने ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, देखो यहां पर, क्योंकि जब 50% से अगर ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो पॉजिटिव वाला है एक दूसरे को क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, जैसे ऐसे समझो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में भी तो रिपल्सन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये ठीक बॉन्ड बना, मजबूत बना, और मजबूत बना, और मजबूत बना, बहुत अच्छा मजबूत बन चुका है, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग करोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, तो ये उतना अच्छा बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। लास्ट बॉन्ड क्या कहने, समझ में आ रहा, मतलब एक ओवरलैपिंग भी एक कितना होना चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, फिर रिपल्सन आएगा, समझे इस बात को। क्या हाँ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपसे पूछे तो
1s का बीच के जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर होगा किससे, 2s और 1s का, और ये किससे होगा 2s और 2s, ये क्या हो जाएगा 2s 3s 3s 3s। समझ में आया ये चीज़? 1s 1s का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किससे, 1s और 2s से, विच इज स्ट्रॉन्गर देन 2s 2s, विच इज स्ट्रॉन्गर देन 2s 3s, और ये 3s 3s। जितना छोटा ऑर्बिटल उतनी बेहतरीन बॉन्डिंग होगा इसका। SS ओवरलैपिंग क्लियर है? किसी प्रकार का डाउट?